बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वैदुरमान हज़ारवी। हम में से हर शख्स चाहता है कि उसको इज़्ज़त मिले। इज़्ज़त का शख्स जो है वो भूखा है। हर बंदा चाहता है कि लोग मेरी इज़्ज़त करें, लेकिन अफसोस की बात है कि हम ये नहीं चाहते कि हम दूसरों को इज़्ज़त दें। यानी हम इज़्ज़त लेना तो चाहते हैं, लेना तो जानते हैं, लेकिन इज़्ज़त देना नहीं जानते। तो आज का हमारा मैसेज ये है कि हमें चाहिए कि हम दूसरों को इज़्ज़त दें। जितना आप किसी को इज़्ज़त देंगे, इतनी आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। जितना आप किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, इतना आपके साथ भी अच्छा सलूक होगा। और हमेशा जो है अपने आप को कमतर समझें, दूसरों को अपने से बेहतर समझें, हर किसी को इज़्ज़त देने की कोशिश करें। इखलाक जो है आप सल्लम का एक मुबारक तरीका है। आप सल्लम के सारे तरीके ही मुबारक हैं, लेकिन आप सल्लम की ज़िंदगी के अंदर जो सबसे जो कीमती चीज़ थी वो आप सल्लम के प्यारे अखलाक थे। आप सल्लम के अखलाक की बदौलत बहुत से लोग जो है वो मुसलमान हुए और आप सल्लम के ज़िंदगी को अपनाया। साहबा किराम की जो खूबसूरत जमात थी जो आप सल्लम के सारे तरीक़ों को फॉलो करती थी। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे तरीके के साथ दूसरों को इज़्ज़त दें, दूसरों को रिस्पेक्ट दें, बड़ा छोटे को रिस्पेक्ट दें, इस्लाम में पहल करें। हमें चाहता है कि मुझे लोग सलाम करें, खुद जो है वो सलाम नहीं करना चाहता। ये बड़े अफसोस की बात है। यानी हम जो है जितना कोशिश करेंगे, जितना जो है अच्छे तरीके से चलेंगे, तो इतनी हमारी ज़िंदगी जो है वो मज़ेदार होगी, शानदार होगी, जानदार होगी। ये ज़िंदगी बड़ी आसान है, लेकिन हमने इसको ख़ुद मुश्किल बनाया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि हम सब जो है दूसरों से तो डिमांड करते हैं कि दूसरा हमारा ख्याल रखे, दूसरा हमारी खैरियत पूछे, लेकिन कभी हम नहीं सोचते कि हमने दूसरे की खैरियत पूछी, दूसरे का ख्याल रखा, दूसरे को इज़्ज़त दी। तो इज़्ज़त जो है ये बड़ी एक कीमती चीज़ है, ये और बड़ी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि जैसे इल्म है, इल्म बांटने से बढ़ता है। जितना इंसान इल्म बांटता है, उतना उसके इल्म में भी इजाफा होता है। इल्म बांटने से चोरी नहीं होता, इल्म को कोई चोर चुरा नहीं सकता। ऐसे ही इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है, जितना आप किसी को इज़्ज़त देंगे, इतना ही आपको कई गुना, यानी मैं इसको डबल नहीं कहूँगा, डबल नहीं बल्कि कई गुना ज़्यादा जो है आपको वापस मिलेगी। तो हमेशा जो है ये एक ज़बरदस्त फार्मूला है ज़िंदगी में कामयाबी का। इसको चाहिए कि हम जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएँ कि हम दूसरों को इज़्ज़त दें। और इज़्ज़त जो है जब आप देंगे तो आपको इसकी मिठास मालूम होगी, आपकी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और आपका माशरे में एक मकाम अल्लाह की तरफ से बनता जाएगा। और अल्लाह ताला को भी वो बंदा बहुत पसंद है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। आज हम जो है बदतमीज़ी को अपना जो है वो एक तुर्रा इम्तियाज़ समझते हैं कि हम बदतमीज़ हैं जी, दूसरे के साथ बड़े अखर तरीके से बात करते हैं। तो ये कोई बात नहीं है। कई पढ़े लिखे लोग हमने देखे हैं जो जिनको बड़ा नाज होता है अपनी तालीम के ऊपर, लेकिन बात करने का सलीका नहीं होता। बड़े बड़े ऑफिसर्स देखे हैं कि जो अपने ओहदे के ओहदे को देखते हुए अपने ओहदे की उस अकड़ उनके अंदर मौजूद होती है। तो याद रखें कि सदा बादशाही अल्लाह ताला की है, वो बादशाह है। आप जो है आपकी एक एक चीज़ नोट हो रही है। आप जो है किसी के साथ अगर बुरा सलूक करते हैं तो यकीन करें कि आप ज़िंदगी में कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तो अगर आप किसी बड़े ओहदे पर हैं तो आपकी सबसे बड़ी अजमत यही है कि आप अपने मातहत लोगों के साथ इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, इखलाक के साथ पेश आएँ। इसी तरह अगर आप जो है किसी जगह आपकी कोई ज़िम्मेदारी है या आपकी कोई गवर्नमेंट की तरफ से या वैसे किसी जगह कोई ड्यूटी है, तो उसमें भी आपकी ऐसा आपका किरदार होना चाहिए कि वो कहते हैं ना कि ऐसे रहा करो कि लोग करें आरजू, ऐसे चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे, कि आपकी एक शिनाख्त होनी चाहिए, आपकी एक पहचान होनी चाहिए। जो भी शख्स आपका आपकी इज़्ज़त करे वो आपके डर की वजह से ना करे। एक हदीस का मफहूम है कि बड़ा बदबख्श शख्स है वो जिसकी लोग जो है डर के इज़्ज़त करें। तो डर के नहीं, आपकी जो है ख़ुद से इज़्ज़त होनी चाहिए और इज़्ज़त इंसान अपनी खुद करवाता है। महफिल में जाएं, खुद सलाम करें और ये कभी ना सोचें कि कोई मुझे सलाम करे। जो सलाम करता है वो तकब्बुर से बरी हो जाता है। जब हम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के सुनहरी उसूलों के मुताबिक लेकर आएंगे तो यकीन करें ये ज़िंदगी हमारी बड़ी शानदार बनेगी, बड़ी मज़ेदार बनेगी, बड़ी ही जानदार बनेगी। इसलिए इस ज़िंदगी को शानदार, मज़ेदार, जानदार बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम जो है अपने अंदर ये खूबसूरत जो चीज़ है इज़्ज़त, ये इज़्ज़त देने वाले बने, इज़्ज़त लेने वाले बने, इज़्ज़त करने वाले बने और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, शानदार बनाएं, मज़ेदार बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। हमारा चैनल कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल है, उस पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। हमारा मकसद अपनी इसलाह और दूसरों को इतला है। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।